तीनों माता सरस्वती भगवती लक्ष्मी कृपा बनी रहे और काले उन्नति रहे। इतना सारा ये देख के मैं बहुत अभिभूत हूँ और मेरे से खैर मैं बोलूँ तो सही बोलना के लिए आदत है। तो जितनी ये चार्ज उन्होंने बताया वो सब चार्ज है, मैं वापस उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता। एक चार्ज ये भूल गए, मेरे को जो असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट का एग्जामिनेशन बनाया था तो उस वक्त क्या होता था कि मेरे पास बहुत सारी अप्लीकेशन आती थी ड्यूटी चेंज करने की, तो मेरी जगह ये आएगा मैं इस दिन नहीं आ पाऊँगा तो मेरी जगह इसकी ड्यूटी लगेगी। तो मैंने उस पर थोड़ा विचार किया कि इसका हल क्या कर सकते। तो मैंने एक स्टैंडर्ड फॉलो किया कि आप जो भी ड्यूटी इन्विजिलेटर करना चाहता मेरे को अपनी डेट्स बता दें, उस डेट पर मैं उसकी ड्यूटी दे। उस समय दो शिफ्ट में एग्जाम चलती थी, मॉर्निंग में और दोपहर मतलब आफ्टरनून में, और उस समय लोगों को मैंने चॉइस दी हुई थी पीटीएस को भी और रेगुलर स्टाफ को भी कि आप अपनी चॉइस की डेट दे दो मैं उस पर आपकी ड्यूटी लगा दूँ। तो ये जो सिस्टम मैंने लागू किया था बहुत लोगों को पसंद आया और बहुत लोगों ने उस पर अप्रिशिएट भी किया और मैंने करीब 93 से लेकर 2015 तक ये फॉलो किया। उसके बाद मेरे को असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंटशिप से मतलब वो काम किसी और को दे दिया गया तो फिर वो उस हिसाब से कर रहे। पर इसमें मेरे साथ एक वाकया ये हुआ था कि एक इन्विजिलेटर ने मेरे को ड्यूटी लिखवा के गया फर्स्ट हाफ में, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में 5 ड्यूटी की डेट थी और आफ्टरनून शिफ्ट में भी 5 ड्यूटी की डेट थी। नॉर्मली 10 से 12 ड्यूटी हर एक की आती थी। मैंने चार्ट बना लिया, चार्ट बनाने के बाद जब मैं कैलकुलेट कर रहा था कि पर इन्विजिलेटर कितनी ड्यूटी आएगी, तो जिस बंदे ने मेरे को ये ड्यूटी चार्ट के लिए अपनी डेट्स दी थी जब मैंने उसकी टोटल ड्यूटी कैलकुलेट करी तो उसको 3 ही ड्यूटी आती थी। मतलब उसने मेरे से ज़्यादा मेहनत कर ली थी और उसने ये पता लगा लिया कि किस दिन आरजीपीपी का ड्यू टू एपीयर 0 है। अब जिस दिन ड्यू टू एपीयर 0 है तो ड्यूटी लगनी ही है। तो उसने मेरे से ज़्यादा मेहनत करके वो चार्ट अपना बना के मेरे को दिया था। तो मेरे को ये बड़ा आश्चर्य हुआ, इसलिए उस समय कुछ लोगों को 12 की जगह 15 ड्यूटी, किसी को 17 ड्यूटी, ये इस टाइप का होने लगा था। तो कई बार क्या होता है कि किसी को अगर कुछ फैसिलिटी तो